आवाज को आप तक पहुंचाने का जिम्मा उठाने वाले बबलू जी और फिरोज रमजानी साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इतने सारे साज, इतने सारे माइक, इसका माइकिंग, इसका केबल, उसकी आवाज और इसका बैलेंसिंग करते हुए आप तक पहुंचाना बड़े सर्कस का काम हुआ करता है। जनाब, आपके लिए हम तालियां बजाते हैं, जोरदार तालियां हमारी ओर से भी। आज की इस महफिल को चार चांद लगाते हुए इतनी खूबसूरत लाइट्स के साथ में जिन्होंने इसे रोशन किया है, शैलेश गायकवाड़ साहब के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो इस महफिल का जिन्होंने डिज़ाइन बनाया था और इस खूबसूरत मंच को जिन्होंने सजाया है, राकेश पूड़वाल साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जो एनसेम्बल एंटरटेनमेंट्स की ओर से हमारे साथी बने हैं। शाहिद भाई अजंता आर्ट्स, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इन्हीं की बदौलत ये महफिल और इसके रंग हमारे बीच हैं। अनिल बोर्डे साहब ऑक्टोपेडोर मशीन के साथ में शरीक हुए हैं। इनका कद थोड़ा छोटा है इसलिए हमें यहाँ से नहीं दिखे, हम क्षमा चाहते हैं यहाँ से, लेकिन इनकी कला जो है बहुत ऊंची है, इनकी कला ही बोलती है। इस महफिल को आप तक पहुँचाने का जिम्मा इकबाल दरबार साहब ने हमें सौंपा है। जमाना हमें गिरीश सोनोने के नाम से जानता है। आज की इस महफिल में जमीर दरबार साहब को फिर से एक बार जोरदार तालियों के साथ हमें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। जनाब जमीर दरबार, मोहम्मद रफी साहब के गीतों को गाते हुए आप छोटे से बड़े में राहुल देव बर्मन, इस सदी के सबसे बेहतरीन संगीतकार, इन्हीं के द्वारा बनाई हुई धुन में मोहम्मद रफी साहब की जो आवाज थी, द ट्रेन फिल्म से ये एक गीत इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए पेश करते हैं। जनाब जमीर दरबार।
चाह यही दामन बचा लूं हसीनों से मैं तेरी कसम ख्वाबों में थी बचता प्यारा दिनों से मैं तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर मिल गया दर्द जिगर सुन जरा ओ बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया कलाकार का ऑक्सीजन तालियां होती हैं जुबानी वंश में और से ज़्यादा दबाव गिरेगा अगर आपकी तालियां जोरदार हो कई बार सुनने की तमन्ना तो हमारे दिल में होती है लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर घड़ी बंद भी हो तो दिन में दो बार सही समय बताती है। हम एक काम करते हैं कि हम अलग अलग गीतों का जो ये कारवा है इस पर आगे बढ़ते हैं। आज की इस महफिल का ये पहला दो गाना यानी कि युगल गीत जिसमें फिर से एक बार जमीर दरबार साहब को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और उनकी सुरों में सुर मिलाते हुए इस मंच पर पहली बार रूबरू होती है आज की इस महफिल में माधुरी जी जमीर दरबार साहब और सुरों की मलिका माधुरी दोनों को जोरदार तालियों से इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और एक मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक ये दो गाना रफ़ी साहब का ये अंदाज और पर्दे पर सुपरस्टार राजेश खन्ना
राजेश खन्ना का नाम आते ही ज़्यादातर राजेश खन्ना किशोर कुमार कॉम्बिनेशन हमारे सामने आता है, लेकिन ये फिर से एक बार मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का जादू है कि 1969 में ये फिल्म बनी आराधना, जहाँ से राजेश खन्ना का सफ़र सही अंदाज में शुरू हुआ। इसमें दो गीत किशोर कुमार के मशहूर थे, रूप तेरा मस्ताना और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और साथ ही साथ ये एक दो गाना जो एक सॉफ्ट रोमांटिक ऑल टाइम हिट ड्यूएट की हैसियत से जाना जाता है। तो आइए कलाकार तैयार। किसी को क्या कहे, हम दोनों भी है देखो कुछ कोई। ओए हुआ क्या, ओए जागिया मेरे मान सोए सोए। किसी को क्या कहे, हम दोनों भी है देखो कुछ कोई। ओए हुआ क्या, ओए जागिया मेरे मान सोए सोए। रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे मोर खिल रही है कली कली। थैंक यू। आज इस मंच पर शुभकामनाएं देने के लिए और एक मशहूर कलाकार शहर पुणे से पधारे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनका नाम ही काफ़ी है अगर आप इन्हें जानते हैं, ज़रूर जानते हैं। ये अजीज़ दोस्त भी हैं जनाब इकबाल दरबार साहब के। आदरणीय मानिक बजाज साहब को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी इस महफिल को शुभकामनाएं देते हुए इस महफिल में शरीक होने के लिए अपने जज्बे के साथ में पधारे हैं। इकबाल दरबार साहब और मानिक बजाज साहब की दोस्ती बड़ी पुरानी है।
हमने कई बार देखा है कि मंच पर आने के बाद मानिक बजाज साहब और इकबाल दरबार साहब बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा कई बार पेश किए। आपकी दोस्ती को सलाम करते हैं हम, और आप दोनों की दोस्ती के लिए ये शेर अर्ज है कि हर कली फूलों से खुशबू उधार मांगे, हर कली फूलों से खुशबू उधार मांगे, आफताब आपसे नूर उधार मांगे, रब करे आप एक दूसरे से ऐसी दोस्ती निभाए कि दुश्मन भी आपकी दोस्ती आपसे उधार मांगे, आपसे उधार मांगे। आइए इस महफिल में शरीक होते हुए रवि साहब के अंदाज अंदाज़े रफ़ी में अपना योगदान देते हुए मानिक साहब और इकबाल भाई, आज की ये महफिल का ये एक बेहतरीन। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार